हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉली और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से एक DIY वीडियो लेके आई हूं आपके लिए। तो हमारे पास कितनी सारी छोटी छोटी सॉस की बॉटल्स, विनेगर की बॉटल्स पड़ी रहती है, तो बस आज का वीडियो है रीयूज़ का। तो इसी बॉटल्स को मैंने रीयूज़ किया है और बहुत ही सुंदर सा ये वॉल डेकोर बनाया है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल में नए हों और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो नाउ। इसे बनाने के लिए हमें लगेगी ये छोटी छोटी बॉटल्स जो कि है सॉस की, विनेगर की, कैची, सेलो टेप, कोई भी सेलो टेप ले सकते हो आप, पतली जाड़ी। और ये है स्प्रे पेंट की बॉटल, कोई भी कलर का स्प्रे पेंट यूज़ कर सकते हो। ये है जूट की रस्सी और ये है लकड़ी, एक मेरे आसपास से मैंने ये लकड़ी ढूंढ के रखी थी, कोई भी झाड़ की लकड़ी। और ये है हॉट ग्लू गन या फिर फेविकॉल, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो आप देखिए इस तरीके से ये सॉस की ग्रीन चिली की बॉटल है या रेड चिली सॉस की बॉटल है। इस तरीके से ये जो छोटी छोटी बॉटल्स है इसी को यूज़ करके आज का वॉल डेकोर हम लोग बनाने वाले हैं। और उसका इस तरीके से ना मैंने रैपर निकाल लिए थे, तो आप इसका रैपर या तो फिर गर्म पानी में इसको थोड़ी देर डुबा के रखिए और निकाल लीजिए, या फिर गैस के ऊपर आप इसको गर्म करके रैपर इसका निकाल लीजिए और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए बॉटल्स को। और उसके बाद ये देखिए बॉटल अच्छी तरीके से वॉश कर ली मैंने रैपर्स निकाल के। और अब हम इसमें सेलो टेप लगाएंगे, तो इतनी दो उंगलियों का डिस्टेंस छोड़ के, हाँ सेंटर में मैंने ये जो ब्रॉड वाली सेलो टेप है वो यूज़ कर रही हूँ मैं। आप कोई बारीक सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से भी आपको यहाँ पे डिज़ाइन देनी है आपको उस तरीके से सेलो टेप लगानी है। जैसे मैं इतना पार्ट खाली रखना चाहती हूँ बॉटल का और बाकी पूरे में ही मैं पेंट करूँगी, तो मैंने इतने पे सेलो टेप लगाई है इस तरीके से। और सभी बॉटल्स पे मैंने इसी तरीके से सेलो टेप लगा ली थी। ये देखिए इतनी स्पेस मैंने खाली रखी है और ऊपर और नीचे ये पूरा स्पेस जो है वो उस पर पेंट करने वाली हूँ अभी मैं। तो ये इतना स्पेस खाली रख के मैं अभी यहाँ पे पेंट करूँगी। तो ये सभी बॉटल्स आप देख सकते हो, सभी पे मैंने सेलो टेप लगा ली इसी तरीके से। ये ब्रॉड वाली सेलो टेप लगाई थी मैंने, आप चाहो तो पतली सेलो टेप भी लगा सकते हो, जिस तरीके से भी आपको डिज़ाइन करनी है। तो अब ये जो स्प्रे पेंट है उसे मैं यूज़ करने वाली हूँ, एक्रेलिक स्प्रे पेंट। ये कुछ 275 रुपीज़ की बॉटल है, आपको कहीं भी स्टेशनरी शॉप में से मिल जाएगी या फिर इसका अमेज़ॉन लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो इसे। तो बस इसको एक खाली पॉट में डाल के मैंने फटाफट से स्प्रे कर लिया था। और ये स्प्रे करने के बाद ना कुछ आधे एक घंटे में ही सूख जाता है ये कलर, तो बहुत ही इजी है स्प्रे पेंट यूज़ करना। ये देखिए ये बॉटल्स सारी सूख गई है स्प्रे पेंट होकर। आप चाहो तो एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने तो स्प्रे पेंट यूज़ किया है गोल्डन कलर का। और यहाँ से ये जो सेलो टेप हमने लगाई थी ना, बस वो सेलो टेप जो है वो मैं निकाल रही हूँ फटाफट। तो इसी तरीके से ये देखिए ये डिज़ाइन बन गई। तो आप अलग अलग तरीके से सेलो टेप इस पर लगा सकते हो, जिस तरीके की भी आपको डिज़ाइन चाहिए। तो मुझे बस इसी तरीके का सिंपल लुक देना था बॉटल को, तो मैंने एक सेलो टेप सेंटर में लगा ली और बाकी पूरी बॉटल को स्प्रे पेंट कर लिया है। और फटाफट से ये सेलो टेप सभी निकाल रही हूँ मैं, बहुत ही इजी तरीके से निकल जाती है ये। और आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये बॉटल्स। ये देखिए सभी की सेलो टेप निकाल ली और इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। और अब इसके आगे हमें इसको जूट रोप से बांधना है। तो ये देखिए जूट की रस्सी है, मैंने जितना भी आपको लेंथ चाहिए उतनी बड़ी रस्सी आप ले लीजिए। और इसके दोनों एंड में ना दो नॉट्स बांध के मैं इसे पैक कर लूँगी। अभी हमें रस्सी बॉटल में लगाना है ताकि बॉटल जो है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए, गिरे नहीं। तो ये देखिए किस तरीके से मैं नॉट बांध रही हूँ, दोनों तरफ ही मैं दो दो नॉट्स बांध दूँगी और इसे पैक कर दूँगी। तो आप ये प्रोसेस ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं बॉटल को अच्छी तरीके से अटैच कर रही हूँ रोप से। ये देखिए एंड में दोनों तरफ नॉट बांध ली है, इस तरीके से भी रस्सी ली है मैंने।
और इसको इस तरीके से दोनों रस्सियों को ऑपोजिट साइड में रखना है और फिर और एक जूट रोप लेकर इसका नॉट बांध इस पे गोल गोल घुमाना है। तो आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ इसे पैक। इससे आपकी बॉटल बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, इस तरीके से अगर आप पैक करोगे तो एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएंगी बॉटल्स। तो मैं ये एक बॉटल आपको करके बता रही हूँ और फिर बाकी बॉटल्स मैंने करके रेडी रखी थी। तो आप भी ये DIY बना के ज़रूर ट्राई करिए। इस तरीके की कितनी सारी छोटी छोटी बॉटल्स हमारे पास घर में रहती है और बहुत ही सुंदर ये बना था DIY और बहुत ही इजी है। तो आप अभी इस समर इसे बना के ट्राई करिए, अपने बच्चों के साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये DIY वॉल डेकोर कैसा लगा है। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से चैनल को, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो और भी इसे शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस तरीके का कुछ DIY बनाएं। देखिए बस इस तरीके से बॉटल को राउंड राउंड टाइट करके राउंड राउंड करना है ये रस्सी को, और लास्ट में फिर मैं फेविकॉल से इसे चिपका लूँगी। आप हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो उसकी रस्सी को एंड पॉइंट चिपकाने के लिए। बस यहाँ से कट करके इसको चिपका लेना है। और बस ये बॉटल हमारी रेडी हो गई। इसी तरीके से बाकी तीनों बॉटल्स को भी मैंने चिपका लिया था और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसको यहाँ से काट लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है फिनिश कर लेना है, फिनिशिंग दे देनी है उसको काट के। ये देखिए ये बॉटल रेडी हो गई है। बस इसी तरीके से बाकी बॉटल्स को भी मैंने बना लिया था टाई करके, तो मैं आपको सभी बॉटल्स बता रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल फिनिश्ड बॉटल दिख रही है ये। बस ये देखिए बाकी तीनों बॉटल्स को भी फटाफट इसी तरीके से रेडी कर लेना है और उसके बाद ना ये एक कोई भी झाड़ की मैंने लकड़ी ली है तो इस तरीके से एक स्टिक ले लेनी है और इस तरफ एंड में ये मैंने जूट रोप से इसे कवर कर लिया था। ये देखिए अब यहाँ पे क्योंकि वो टूटा हुआ लकड़ी का पार्ट जो है दिख रहा था तो उसको फिनिश लुक देने के लिए ये जो रस्सी है उसको मैंने बस एक नॉट बांध के गोल गोल घुमा लिया था तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई थी और ये जो टूटा हुआ जो रफ पार्ट दिख रहा था वो भी छुप गया था। तो बस ऐसे राउंड राउंड करके लास्ट में फिर से एक नॉट बांध लेनी है तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग लुक आ गया इससे। और ऊपर भी मैंने एक डोरी लगा ली थी जहाँ भी इसको टाई करना है उसके लिए। और अब ये बॉटल को इस तरीके से बस डालना है। तो आप देखिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, बॉटल को टाई कर रही हूँ। देखिए कितना इजी है, बस बॉटल चारों बॉटल को इसी तरीके से इस लकड़ी पे हैंग कर लेना है। तो मैंने ये जो रस्सी है ना वो छोटी बड़ी लगाई है बॉटल पे, तो आप चाहो तो सेम लेवल पे लगा सकते हो या फिर इस छोटी बड़ी रस्सियाँ मैंने लगाई है। आप देखिएगा बॉटल थोड़ी ऊपर नीचे दिखेगी इससे, तो मुझे थोड़ा ऊपर नीचे लुक चाहिए था तो मैंने उस तरीके से किया है। तो आप चाहो तो ये जूट की रस्सी को भी कलर कर सकते हो, मुझे इसे कलर नहीं करना था तो मैंने इसको थोड़ा नेचुरल लुक में ही रखा है। तो इस तरीके से आप बना के इसे अपने गार्डन में, ओपन टेरेस में या फिर अपने लॉन में या फिर हॉल में कहाँ जहाँ भी आप लगाना चाहते हो इसे आप लगा सकते हो।
ये देखिए, अब मैं इसको ना स्ट्रेट एक एक बॉटल करके आपको बताऊंगी किस तरीके से इसका ऊपर नीचे लुक आ रहा है बॉटल्स का। देखिए, तो इसको मैंने इस तरीके से ऊपर नीचे थोड़ा लुक दिया है और ये हमारा DIY वॉल डेकोर बनके रेडी है। और इसके अंदर आप, जैसे कि मैंने मनी प्लांट रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी जिस भी तरीके से आपको डेकोरेट करना है इसको आप डेकोरेट करिए। और ये वीडियो मुझे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।